नमस्कार, खाद्य खुराक न्यूज के द्वारा मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, तो आज सलाह शनिवार है और आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग पर पूरा डिटेल में संवाद होगा और पूरा डिटेल में चर्चा होगा। पहले सेल्स और अब सेल्स को बढ़ाने की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो सभी जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और उनको मैं बता दूं कि उनके कोई सवाल अगर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम हमारे सर से जरूर लेंगे। तो मैं खाद्य खुराक न्यूज से स्वागत करना चाहूंगा श्री हिमाचल मेहता जी, वेलकम। थैंक यू निखिल, थैंक यू। और आज के जो स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा आपको कि उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट इज 34 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, इन हिज एक्सपर्टीज। ही इज एन एक्सपर्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सिंस 7 years, 7 साल से वो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट FMCG प्रोडक्ट्स में खास विशेष वो कंसल्टिंग देते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है उनकी करियर में जो है 27 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड कंपनी लाइक वाडेलाल। जी हाँ, सो हम स्वागत करेंगे श्री जितेंद्र चौधरी, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, मैं खुद ही आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ श्री हिमाचल मेहता का, जिन्होंने ये मुझे ये मौका दिया कि मैं ये प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं बहुत आभारी हूं। हमें बहुत खुशी है कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और जी आप आए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हिमाचल जी, आज हम और अपने दर्शक जो भी है वे भी आभारी होंगे श्री जितेंद्र चौधरी साहब का के जो यहाँ पर आए हैं और हमें आज बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन देंगे, और अपने व्यूअर्स को FMCG प्रोडक्ट्स वाले सभी व्यूअर्स को इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अपने जीवन में, अपने उद्योग में, अपने व्यापार में वे अगर इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू जितेंद्र जी फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच जी। So, जरूर हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे सभी लोगों को फायदे होंगे अगर वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आपका इस विषय पे अगर आप बता पाए कि पहले के जमाने में ट्रेडिशनली जो बिजनेस करने के टेक्निक्स थे, तरीके थे, वो कितने डिफरेंट हैं आज के बिजनेस करने के तरीकों से, और क्यों हुआ है ऐसा? पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि हमारे सेल्स के बंदे मार्केट में जाते थे, रेगुलर शॉपकीपर्स को मिलते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते थे, और वो अपनी पैटर्न से हर शॉपकीपर को मिल करके उनके ऑर्डर्स लेकर के वो लोग वापस डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ पहुँच जाते थे। तो वो हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस। तो वो पैटर्न आज नहीं चलती है। आज कौन सी पैटर्न चलती है? आज कॉन्सेप्ट सेलिंग चलता है। कॉन्सेप्ट सेलिंग का मतलब ये है कि भाई हमारी कंपनी की प्रोडक्ट सिमिलर कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट से किस तरह से अलग है। जैसे पैकेजिंग अलग है, अगर पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है तो कस्टमर को एक भरोसा बैठता है आप पे कि अगर पैकेजिंग खूबसूरत है तो अंदर का मटेरियल भी बहुत अच्छा होगा। तो पैकेजिंग से एक जेन्युइननेस आती है। फिर पैकेजिंग अच्छा होने का मतलब ये है कि कंपनीज पैकेजिंग के पीछे अच्छा खर्चा करती है। अगर पैकेजिंग के पीछे अच्छा खर्चा करती है तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा अंदर। ये शॉपकीपर की मेंटालिटी होती है और ये अल्टीमेट कस्टमर की मेंटालिटी होती है। तो इस मेंटालिटी के साथ में अगर हमारे सेल्स के बंदे मार्केट में जाते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है कि भाई ये किस प्रकार की प्रोडक्ट है, किस प्रकार का पैकेजिंग है। और सबसे बड़ी बात ये कि पैकेजिंग खूबसूरत है तो प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन किसका? प्रेजेंटेशन सेल्स के बंदों का, जो वो माल बेचने जाते हैं किसी को भी, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपकीपर को, तो उनको जाके समझाना ईजी है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है
कि शॉपकीपर को फेमस ब्रांड बेचने का ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि ब्रांड्स अपनी आप बिकती है। और अगर हम अपनी प्रोडक्ट लेकर के बाजार में गए, अगर वो फेमस नहीं है तो दुकानदारों को इंटरेस्ट बेचने में कम रहता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट सेलिंग करना पड़ता है कि हमारा पैकेजिंग भी अच्छा हो, प्रोडक्ट भी अच्छी हो, और जो आदमी उसको बेचने जा रहा है वो उसको सही तरह से प्रेजेंट करे, उसके पास में थोड़ा टाइम बिताए दुकानदार के पास में, और उसको समझाए कि भाई हम क्या चीज़ हैं और हम क्या लेकर के आए हैं, और शॉपकीपर के पास में जाके उससे रिलेशन बनाए, उसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे कि भाई हम तुमको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप बिल्कुल बिना चिंता किए इस माल को बेचो और फुल गारंटी लो, आप हमारी प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, उसको कॉन्सेप्ट सेलिंग बोलते हैं। ये तो आपने बताया कि यू नो पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने सेल्स मैनेजर्स को या सेल्स एम्प्लॉइज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अलग अलग दुकानों या यू नो कॉन्टेक्ट के लिए भेजते थे और वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते थे, और जो भी आपने बताया इसका उपयोग आज के जमाने में कितना हो रहा है, कितने पैमाने पे हो रहा है और कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है सेल्स करने के तरीकों में? अभी क्या है कि अगर हमारा सेल्स का बंदा है, कंपनीज का सेल्स का बंदा, कोई भी पोस्ट का हो, सीनियर पोस्ट का हो, जूनियर पोस्ट का हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो उसको मार्केट में जाके टाइम स्पेंड करना है, उसको ठीक से समझाना है, ठीक से समझना है, कंपनी की पूरी गाइडलाइन के साथ में उसको प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाना है। तो जिससे क्या है, सामने वाले के दिमाग में उतरता है तो वो कुछ समझता है, समझने के बाद में उसको फील होता है कि नहीं भाई ये आदमी मेरा बंदा रेगुलर आ रहा है, मैं इसको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, तो चौथी पांचवी विजिट में डेफिनेटली वो ऑर्डर देगा उस चीज का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ विजिट बहुत जरूरी है अभी। और किसी भी तरह से हम वो विजिट को टाल नहीं सकते, जैसे हम हर मंडे कोई एरिया कर रहे हैं तो हर मंडे उस एरिया में वापस भी जाना है, वापस उसको समझाना है, वापस उससे सर टाइम बिताना है। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि काफी लोग सेल्स और मार्केटिंग को एक ही कॉन्सेप्ट में यू नो समझते हैं, सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक ही है बहुत लोगों के लिए, तो आप इस विषय में बताएंगे कि सेल्स और मार्केटिंग कितना अलग है एंड हाउ डिफरेंट बोथ ऑफ सिस्टम्स आर? सेल्स और मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। सेल्स जो है वो प्योरली जो सेल्स के बंदे मार्केट में जाते हैं वो उसके लिए है, उसको सिर्फ सेल्स बोला जाएगा, उसको मार्केटिंग नहीं बोला जाएगा। मार्केटिंग जो है वो कंपनी रिलेटेड है। कंपनी रिलेटेड का मतलब कंपनी कब पैकेजिंग चेंज करेगी, क्या स्कीम्स देगी, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या मार्जिन होना चाहिए, किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट देगी, किस प्रकार का हम लोग आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, ये सब मार्केटिंग कंपनी का सब्जेक्ट है, ये सेल्स वालों का सब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं कंपनी लेगी वो फील्ड फोर्स को उसको आगे बढ़ाना है। फील्ड फोर्स जो सेल्स वाले बंदे हैं उनको मार्केटिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो जरूर फीडबैक दे सकते हैं कंपनी को कि मार्केट में ये कंपनी ये कर रही है, ये कंपनी ये कर रही है, इसका प्राइसिंग ये हो चुका है, उसकी पॉलिसीज ये है, वो खाली फीडबैक दे सकती है, बाकी मार्केटिंग का डिसीजन कंपनी का है। इसलिए ये डिफरेंशिएट किया जाता है कि सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है। हाँ यस निखिल, आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जैसे सर ने बताया कि मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग प्रकार के हैं। एक जो है वो डिसीजन लेते हैं इन द ऑफिस इन द कैबिन, दे मेक द डिसीजन एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इज द मार्केटिंग। और जो सेल्स है वो एक्चुअल फील्ड में एक्चुअल लोगों के साथ संपर्क करके उनका जो बिजनेस है वो लाते हैं। तो देयर इज यू नो अ स्मॉल डिमार्केशन बिटवीन मार्केटिंग और सेल्स, लेकिन ये दोनों चीज है ये कंपनी के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों अगर साथ में साथ कदम से कदम मिलाए, हाथ से हाथ जोड़े, तो ही कोई कंपनी का सेल्स आगे बढ़ेगा, सेल्स आगे बढ़ेगा तो यू नो और फिर क्वालिटी एंड मार्केटिंग ऑल्सो गोज हैंड टू हैंड। क्वालिटी जब बनती है, क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो उनका मार्केटिंग में एक्सपेंस ज्यादा होगा, अगर मार्केटिंग में एक्सपेंस ज्यादा होगा तो फिर से क्वालिटी बढ़ेगी, तो ये एक साइकिल है और ये साइकिल कहीं ना कहीं
प्रोडक्ट और सेल्स के ऊपर भी डिपेंड है। अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो जैसा आपने बताया कि उसको पुश करना नहीं पड़ेगा, वो मार्केट से पुल होगा। और अगर प्रोडक्ट में कुछ 19-20 है तो वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर द मार्केटिंग। तो ये एफर्ट्स कम करने के लिए, अगेन मैं तो ये मानता हूं कि प्रोडक्ट में तो क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। जितेंद्र जी आप क्या मानते हैं, मार्केटिंग बेहतर होना चाहिए या प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए? मार्केटिंग अगर बेहतर है, क्योंकि मार्केटिंग का डिसीजन सीनियर्स लोग लेते हैं। एक तो कंपनी के एमडी होते हैं, कंपनी के एमडी के नीचे उनके सीनियर्स बंदे होते हैं, सेल्स मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, वो लोग सबकी एक कमेटी होती है, वो सब मिलकर के ये मार्केटिंग का डिसीजन लेते हैं। फिर जो भी अगर प्रॉपर डिसीजन हुआ मार्केट को ध्यान में रख के, फिर वो डिसीजन सेल्स के बंदों को दिया जाता है कि भाई इस तरह से आपको ये चीज को मार्केट में ऑपरेट करना है। उस तरह से जो गाइडलाइन दी जाती है उसके हिसाब से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है कि भाई मार्केट में सेल्स का बंदा जाके बोलेगा क्या, किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करेगा और किस प्रकार से वो कंपनी की वैल्यूज बढ़ाएगा। मैं कंपनी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके बाद में प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, पैकेजिंग भी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बंदे को पूरा ध्यान रखना है, एक कंपनी का फोकस लेके चलना है, सिर्फ जाके ये नहीं बोलना है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ तो आप मुझे ऑर्डर दीजिए। वो खुद उसको खुद को एजुकेशन लेना है और सामने एजुकेशन देना है। अगर शॉपकीपर को प्रॉपर एजुकेशन मिल गया तो शॉपकीपर कस्टमर्स को बहुत इजीली समझा पाएगा कि प्रोडक्ट में क्या कितना दम है और किस प्रकार से ये यूज हो सकती है। बराबर। जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कोविड आया तो उससे पहले और उसके बाद में जो इफेक्ट आया है और क्या ध्यान रखना चाहिए एक मार्केटिंग के बंदे को? कोरोना के पहले बिजनेस रेगुलर चलता था सबका, एज गुड एज नॉर्मल। कोरोना के बाद क्या हो गया है, इन बिटवीन कोरोना चल ही रहा है, इन बिटवीन मैंने एक बहुत सारी बातें सोची है कि हर बंदे को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जैसे आज का जो काम है वो आज ही कर लेना चाहिए, इसको कल पे आप नहीं टाल सकते हो। आप जैसे ऑर्डर्स लेने हैं, डिस्पैचेस करने हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, टू वे कम्युनिकेशन करना है, मार्केट में कम्युनिकेशन करना है, मार्केट का कम्युनिकेशन कंपनी को करना है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन करना है वो आज ही करना है, ना ही उसको चार बजे पर टालना है, ना ही उसको कल सुबह के लिए टालना है। इतना डिसिप्लिन और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में सुबह मार्केट में निकलने से पहले या जो भी बंदा काम पे आता है उसको पूरा लिख के आना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं और सारे काम खत्म हो जाए, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कोविड में हम लोगों ने देखा कि कभी भी लॉकडाउन आ गया है, तो लॉकडाउन के आने से क्या हुआ है कि आज का काम कल पे टल गया है। अब लॉकडाउन 8 दिन का है कि महीने का है किसी को पता नहीं है, तो ये कल पे टालने की जगह वो 8 दिन लेट हो गया, 15 दिन लेट हो गया। तो 8 दिन और 15 दिन में आपका कम्युनिकेशन में सामने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा प्रकार का आलस आ जाता है उसमें। फिर 15 दिन के बाद आप कम्युनिकेशन करेंगे तो बोले यार ग्राहक कस्टमर नहीं है, मार्केट में ग्राहक ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी काम आज का है वो आज ही कर लेना चाहिए। तो ये कोविड के बाद भी आपको कंटिन्यू करना है, इसको लिंगरिंग ऑन नहीं करना है। अगर आज का काम आज ही हो जाता है तो हर एक के लिए बेटर है। आदमी की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, उसको ये भी पता है कि ये काम के बाद में मुझे दूसरा काम कौन सा करना है, ये काम के बाद में मुझे कल पे कौन सा काम डालना है। तो ये कम्युनिकेशन होने से मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और दूसरा क्या है कि मार्केट में दूसरी कंपनीज भी है, अगर आपका काम आज के आज नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी, समझो आज का काम आज के आज ही करती है तो आपको उतना नुकसान जाएगा, दूसरी कंपनी आके ऑर्डर्स ले जाएगी। तो आज का काम अगर आज हो गया और कल आज का माल आज डिस्पैच हो गया या आज का माल कल डिस्पैच हो गया तो क्या होगा, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए। आपने किसी को 11 बजे का टाइम दिया है, अगर आप नहीं बात कर पाते हैं तो आपको 11:45 बजे उसको बोलना है कि भाई मैं आपको 12 बजे आपसे बात करूंगा। अगर 4 बजे माल डिस्पैच करना है, अगर आप नहीं कर पाए तब उसको 3 बजे ही बोल दो भाई आज माल आना पॉसिबल नहीं है, कल सुबह 11 बजे आपको माल मिल जाएगा।
तो कम्युनिकेशन करने से क्या होगा हिमाचल भाई, ट्रस्ट डेवलप होगा सामने वाले पे। तो ट्रस्ट डेवलप होगा तो किसी और कंपनी को वो हाथ रखने नहीं देगा। तो कोविड में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कोविड के बाद भी डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है हर एक बंदे में, हर एक इंसान में। निखिल, वी वर टॉकिंग अबाउट ये जो पहले, जो कोविड से पहले और कोविड के बाद में क्या एक मार्केटर को ध्यान रखना चाहिए, वे हम जानना चाहते थे जितेंद्र जी से, और उन्होंने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि यू डोंट लिंगर योर वर्क, यू डोंट पुट योर वर्क फॉर टुमारो, लेट इट बी डन टुडे, एंड दैट इज द साइन ऑफ अ गुड मार्केटर। यस निखिल, तो सर हमारा अगला सवाल ये है कि मैन पावर, अभी आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है कोविड की वजह से, जो इम्पैक्ट हुआ है, और पहले से भी ये काफी प्रॉब्लम आ चुका है, पहले भी काफी प्रॉब्लम था इसका, मैन पावर सुपर स्टॉकिस्ट अगर आप कहें या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कहें, उनको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी चीजों का या कौन सी एस्पेक्ट्स का खास ध्यान रखना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को? हम जो भी मैन पावर सिलेक्ट करते हैं, सेल्स का हो, चाहे सुपर स्टॉकिस्ट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, तो एक कंपनी को क्या चाहिए? एक कंपनी दो हाथ से काम नहीं कर सकती है, उसको हजारों हाथ चाहिए। हजारों हाथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सीनियर लेवल के सेल्स के बंदे हमको अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो नॉलेजेबल भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और समझदार भी हो। तीनों में से एक भी चीज कम होगी वो नहीं चलेगा। सिर्फ एक्सपीरियंस हो वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ समझदार हो वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ नॉलेजेबल हो वो भी नहीं चलेगा। हमको तीनों चीज साथ में चाहिए। इससे क्या होगा कि वो बंदा एक्सपीरियंस आएगा और नॉलेजेबल आएगा, जिसकी मार्केट में ऑलरेडी पहचान होगी, तो कंपनी के लिए आगे सुपर स्टॉकिस्ट बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना वो इजी हो जाएगा। अगर मैं सूरत की बात करूं, अगर हम सूरत में किसी को अपॉइंट करते हैं तो सूरत का ज्योग्राफिकल नॉलेज उसको साउथ गुजरात का पूरा होगा, सूरत से लेकर वापी तक उसको सब लोग जानते होंगे। तो उस प्रकार का बंदा अगर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो आगे की चैनल सेट होना बहुत इजी हो जाता है। जैसे हमको सूरत में 8 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, उसके बाद में नवसारी आता है, वलसाड आता है, वापी आता है, दमन आता है, सेलवास आता है, तो इस जगह पर वो उस बंदे की पहचान होनी चाहिए। पहचान होने से हमारा इनिशियल स्टेज का काम बहुत ईजी हो जाता है। इनिशियल स्टेज का काम माने डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना इजी हो जाता है। सुपर स्टॉकिस्ट अच्छा अपॉइंट करने से क्या होगा कि सुपर स्टॉकिस्ट के पास में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। अगर सूरत में अगर सुपर स्टॉकिस्ट अगर अपन अपॉइंट करते हैं तो उसके पास में डेफिनेटली 25-30 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी होंगे, जो उसके कंट्रोल में होंगे, जो उसकी बात मानते होंगे। तो हमारा बंदा उसके पास में जाएगा तो हमारे पास में ऑलरेडी 20 से 25 डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट हमारे पास में तैयार होगा। तो इन लोगों को जाकर के मिलने से हमारी प्रोडक्ट इजीली बाजार में लॉन्च हो सकती है। तो सीनियर बंदा लेने से क्या फायदा होता है कि उसकी पहचान कम को बेनिफिट मिलता है। तो सीनियर बंदे जुड़ने से हमारे हाथ 2 के 8 हो गए, 8 के 10 हो गए। तो सुपर स्टॉकिस्ट जुड़ने से 12 हो गए। सुपर स्टॉकिस्ट के पास में ऑलरेडी 25 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके 50 हाथ और हो गए। तो ये हो गए सिर्फ साउथ गुजरात की बात में। तो पूरा इस तरह से पूरा गुजरात है वो 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो 5 जोन में डिवाइड करने से क्या होगा, 150-200 डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इजीली डेवलप हो जाएंगे सीनियर बंदों के ज्वाइन करने से। तो हमारे हाथ ऑलरेडी बढ़ गए। बढ़ने से क्या होता है कि मार्केट में एंटर करना, मार्केट में प्रोडक्ट डालना वो बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि मार्केट में आपको स्टार्टिंग में जाएंगे तो किसी न किसी की पहचान बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेट में प्रोडक्ट लेके मार्केट में नहीं जा सकते कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, आप मेरी प्रोडक्ट रखो और उसको बेचो, उसको भरोसा ही नहीं आएगा। जहां तक कोई नोन पर्सन आपके साथ में नहीं होगा, किसी को भी आप पे भरोसा नहीं आएगा। तो नोन पर्सन हमारे लिए कौन हो गया, हमारा सेल्स का सीनियर बंदा हो गया। सीनियर बंदे के होने से क्या होता है, सीनियर सुपर स्टॉकिस्ट हमसे जुड़ते हैं। सीनियर सुपर स्टॉकिस्ट जुड़ने से क्या होता है, उसके पास में 25-50 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी होते हैं। लेकिन इस सबको ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक फर्क होनी बहुत जरूरी है। फर्क का मतलब क्या है, आप सामने वालों को अगर बिठाते हो आपके साथ में, तो आपको ये पता चलना चाहिए
सामने वाले से मैं बातचीत कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना काम का है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी को भी अपॉइंट करने में। हमने सीनियर बंदा अगर अपॉइंट किया तो सीनियर बंदे की मार्केट में पहचान होनी बहुत जरूरी है, उसके 8, 10, 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग उसको मार्केट में जानने चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि हमको लोग अच्छे मिलेंगे। जब तक हमारी फील्ड में अच्छे लोग नहीं होंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आदमी ले लेने से काम नहीं होता है, सेल्स के बंदे अपॉइंट कर लेने से काम नहीं होता है, आपको उनको एजुकेट करना है, उनसे ठीक तरह से काम लेना है, डिसिप्लिन वे में काम लेना है। तो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो नॉलेजेबल भी होने चाहिए, मार्केट में उसकी उनकी पहचान भी बहुत होनी चाहिए। सो सर, हिमाचल सर, मैं ये चीज एक मेरे दिमाग में अभी थॉट आया कि काफी बिजनेस जो शुरू होते हैं वो ये सारी चीजों का, खास करके सेल्स और मार्केटिंग पे, इनिशियली से पहले से ध्यान नहीं देते हैं। फिर जैसे जैसे दिक्कत आती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तभी उस पे चर्चा होती है और तभी उस पे काम करना, वो उसको यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात हो जाती है कि प्रॉब्लम आई तो सॉल्व करो। बट आई थिंक ये सारी प्री प्लानिंग वाली चीजें हैं जो पहले से प्लान अच्छे से होनी चाहिए, खास करके सेल्स और मार्केटिंग। इसके विषय में आपका हिमाचल सर क्या कहना है? निखिल जी, व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज लॉन्च, और कभी कोई भी टाइम अगर कोई भी बंदा अगर बिजनेस में आता है तो उनके पास एक फंड लेकर के आता है, तो वो फंड जो यूटिलाइज करता है या वो प्लांट एंड मशीनरी में ही पूरा उसका फंड डिप्लॉय हो जाता है। सपोज किसी ने 5 करोड़ या 10 करोड़ या व्हाट्सो एवर एक कैपिटल अमाउंट एक फिक्स किया और वो कैपिटल अमाउंट लेकर के कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, जैसे ही माल निकलना शुरू हो जाएगा उसका सब आगे से बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच के साथ जो भी लोग आते हैं उनके पास आगे जाकर के वर्किंग कैपिटल की लार्जली दे आर इन शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये जो वर्किंग कैपिटल है इसमें मार्केटिंग जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। जो मार्केटिंग के लिए कोई बंदा, उसके लिए दे डोंट हैव रिजर्व्स फॉर मार्केटिंग, तो कहीं ना कहीं ये भी एक है कि उद्योग की, जिसको हम बाल मृत्यु कहते हैं, कि वो यू नो इन वेरी अर्ली स्टेज दैट इंडस्ट्री और से दैट प्रोडक्ट फेल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ यू नो दे डोंट हैव सच प्रोविजंस टू हैव एलोकेट द डिफरेंट वर्किंग कैपिटल्स फॉर द इंडस्ट्रीज। तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केटिंग के लिए एक पूरा सेल्स एक पूरा टीम होना चाहिए, सेल्स के लिए भी एक पूरी टीम होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में जाना चाहिए। एक भले कोई भी उद्योग हो, चाहे वो सेल्स टीम माने वो एक पर्सन से भी सेल्स टीम बोलते हैं, एक पर्सन भी मार्केटिंग का हो तो उसको भी हम टीम ही बोलते हैं, लेकिन एक प्रोविजन उनके पास हो, अगर बढ़िया तरीके से वो सब इनको डिप्लॉय करे, तो मुझे लगता है कि कोई भी उद्योग हो उनको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उनको सफलता भले धीरे गति से लेकिन मिलनी जरूरी बन जाती है। जो बताया, एक प्रॉपर बजट तो होना ही चाहिए मार्केट को लेकर के, और दूसरा कि हम किसी भी प्रकार का मैन पावर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसका टर्नओवर आप नहीं 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 अफोर्ड कर सकते। आप अगर आपने इंसान को अपॉइंट किया तो घड़ी घड़ी इंसान जो सेल्स पर्सन है वो जॉब छोड़ रहा है, किसी और कंपनी से जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है आपका काम छोड़ रहा है, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर पाते हो। अफोर्ड का मतलब ये है कि सेल्स पर्सन आपने उसको ट्रेनिंग दी है, आपने उसको समझाया है, आपने उसको डेवलप किया है, तो वो उसकी बाजार में रेपुटेशन है, तो उसका छोड़ के जाना आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है, बराबर है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने आपका माल 1.5-2 साल बेचा है, वो अगर बंद करता है तो आपकी रेपुटेशन बिगड़ती है। तो ये दोनों ही टर्नओवर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ना सेल्स पर्सन का जाना ना डिस्ट्रीब्यूटर का जाना। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि अगर सेल्स पर्सन काम नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करता है, तो हम खुद उसको निकाल दें, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको हमको चिपका के रखना बहुत जरूरी है। तो ये टर्नओवर मैन पावर का जाना, डिस्ट्रीब्यूटर का हमारा काम छोड़ना, मैन पावर की हमारी जॉब छोड़ना, वो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये टर्नओवर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मैं यूं बोलना चाहता हूँ। सो सर, मैं ये आपसे पूछ, यस हिमाचल सर, आप कुछ कह रहे थे। निखिल जी, मैं ये बता रहा था कि आपने जैसे बताया कि ये आपकी एसेट्स है, तो ये एसेट्स भी धीरे 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 करके बनती है, और इस एसेट्स को जैसे आप यू नो यू आर ग्रोइंग वन ट्री, यू आर ग्रोइंग वन यू नो आप जैसे
एक बच्चे को आप ग्रो करते हो, जैसे पौधे को ग्रो करते हो, वैसे ही आप ये फोर्स को भी एक नर्चर करते हो, उसको एक बढ़ावा देते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल जब देना होता है तभी आप मान लो कि वो चैनल छोड़ देते हो या ये ऐसे बंदे छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उद्योग को काफी नुकसान हो सकता है। जैसे सर ने भी बताया कि इफ दे आर डूइंग गुड वर्क यू हैव टू डिप्लॉय योर वर्क, आप उनको ही काम पे रखे और उनसे ही काम ले, तो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। राइट, सो प्रो टिप्स आर कमिंग ऑन योर वे। जो भी टिप्स मिल रही हैं, जो भी सलाह मिल रही हैं, वो आप नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए आपके उद्योग में, आपके बिजनेस में वो आप जरूर इंप्लीमेंट कर पाए। सर एक सवाल ये होता है, जी हिमाचल जी, एक और बात कि आज की तारीख में भी जब यू नो द मार्केट आर सो वॉलेटाइल, तो ये टाइम में लोगों को लगता है कि क्या इस मार्केटिंग के लिए जो खर्च है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, या कोई भी उनका मार्केटिंग का एक्स वाई जेड सैंपलिंग का है या कोई भी बजट है, तो उसको वो बरकरार करे या उसको रिड्यूस कर दे या कम कर दे। तो इस दौरान अमूल ने अपना मार्केटिंग बजट है वो बढ़ाया है, तो ये भी एक गौर करने जैसी बात है कि व्हाट द यू नो बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है। तो आज की तारीख में उन्होंने ना अपना बजट कम किया है, वो बजट बढ़ा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग में एक्सपेंस करने से सेल्स बढ़ेगा या सेल्स बढ़ेगा तो मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाएंगे, तो इट्स अ रोटेशन। आपको इस साइकिल के अंदर कौन पहला ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साइकिल पे अगर आप कोई भी बंदा इस पर चढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आगे उसका यू नो ग्रोथ होना ही होना निश्चित होता है। काफी कंपनीज ये फॉर्मूला पे गई है और आज यू नो दे हैव सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो deploying proper funds to their marketing strategies. Very true. Yes. Jitendra ji, कि ये जो कोरोना इफेक्ट है इसमें बिजनेस शुरू हुए हैं, तो बिजनेस शुरू हुए तो 15-20% पे ही पहुंचे हैं अभी, तो जो मार्केटिंग के बंदे हैं उनकी मेहनत अभी बढ़ जाती है। right. उनको घड़ी घड़ी चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है जहां पर वो माल बेचने जाते हैं कि भाई हम लोग हैं यहाँ पर, यानी जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाता है तो वहां तक जाके उनको रेगुलरली विजिट्स करनी है। उनको आके ये नहीं बोलना है कि मार्केट में कस्टमर्स नहीं है या मार्केट में अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, मार्केट में ग्राहकी नहीं है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मार्केट में विजिट इंटैक्ट रखनी चाहिए रेगुलरली, भले बिजनेस ना मिले या थोड़ा बहुत मिले, तो अगर मार्केट की विजिट्स अगर रेगुलर करते हैं तो शॉपकीपर को वो याद रहता है कि भाई अगर बिजनेस नहीं है फिर भी ये बंदा मेरे को मिलने आ रहा है। तो जैसे धीरे 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 बिजनेस खुलेगा तो उसको डेफिनेटली वो शॉपकीपर या जो भी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, केटरिंग है, वो उसको डेफिनेटली मौका देंगे। क्यों? कि जब बिजनेस स्लो है तो ये लोग आदमी रेगुलरली मिलने जा रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग को बिजनेस चाहिए इसलिए हम आपके पास में आ रहे हैं, तो आप हमारा जब भी बिजनेस खुलता तो आप हमारा ध्यान रखना, तो जब भी बिजनेस खुलेगा तो हमारी प्रोडक्ट आप जरूर जरूर से मंगवाइएगा, तो उसके दिमाग में ये चीज रहती है, वो आदमी भूलता नहीं है। तो कोरोना के अंदर अगर बिजनेस नहीं भी है तो आप अपने बिजनेस रिलेशन चालू रखिए, जितने जितने कस्टमर से उनसे फोन पे बात कीजिए, उनके टच में रहिए। ये आपको डेफिनेटली ये काम कोरोना में करना ही चाहिए, हर एक को पीछे लगे रहना चाहिए, तो जाके वो आदमी की याददाश्त कमजोर हो तो फिर भी वो आदमी आपको याद करे कि नहीं भाई इसने मुझे ये याद किया था इस दौरान। एक और बात बतानी थी मुझे कि अभी जो सेल्स के बंदे हैं या जो भी बंदा जॉब करता है, तो मैं ये मानता हूं कि उनको अभी नौकरी करने वाला एटीट्यूड, जॉब करने वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, उनको बिजनेस करने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। बिजनेस करने वाला एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि भाई मैं मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे किसी भी प्रकार से मार्केट से ऑर्डर्स लेने हैं, जैसे मेरी खुद की कंपनी है, अगर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिले तो जैसे कंपनी के ओनर्स को दुख होता है, उस तरह जो बंदा हम लोगों ने काम पे रखा हुआ है उसको ये दुख होना चाहिए कि आज भी मैंने 30 दुकान मैंने आज मार्केट में विजिट की, तो जिस वजह से मुझे 6 दुकान पे ही ऑर्डर मिला, तो बाकी 20 दुकान में मुझे ऑर्डर नहीं मिला, तो ये 20 दुकान के लिए मुझे आगे जाके कल या परसों या अगले वीक में मैं मार्केट में जाऊंगा, तो मुझे उनको क्या बोलना है, किस प्रकार से मैं प्रेजेंटेशन करूं तो ये लोग मुझे ऑर्डर्स देंगे।
तो बिजनेस करने में और जॉब करने में बहुत फर्क है। अगर अगर नौकरी करने वाला बंदा भी ये सोचता है कि ये मेरा बिजनेस है, तो उससे बिजनेस आने के तरीके में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो वो जाकर के बिजनेस करेगा, उसको ये पता चलेगा कि आज मेरे 2 ऑर्डर कैंसिल हुए तो आज मेरा 10,000 का या 5,000 का या 10 लाख का या 2 लाख का मेरा ये ऑर्डर कटा, जो मेरे को ये नहीं काटना है, ये मुझे अगली बार मैं विजिट में जाऊं तो मुझे ये ऑर्डर दे, उस प्रकार से मुझे इसे मनाना है या मुझे कन्विंस करना है। तो मेरी ये गुजारिश थी हर एक सेल्स के बंदे से या जो भी बंदे जॉब करते हैं कि अब प्लीज जॉब करने का जो पैटर्न है उसे छोड़ करके बिजनेस करने का पैटर्न अपनाएं, तो उससे खुद की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, खुद को बिजनेस करने का एक पैटर्न पता चलता है और बिजनेस मार्केट में बिजनेस इजीली मिलना शुरू हो जाता है। इससे क्या है कि जॉब करने वाला बिजनेस भी राजी है और कंपनी के ओनर्स भी राजी है। ये मेरा कहना था। बिल्कुल बिल्कुल, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक हिमाचल जी भी अग्री करेंगे इस पे कि यू नो ओनरशिप लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट मेरी नहीं, ये प्रोडक्ट मैं किसी और कंपनी की है और मैं सिर्फ मंथली सैलरी ले रहा हूँ या फिर कोई भी प्रकार का इंसेंटिव ले रहा हूँ। प्रोडक्ट का ओनरशिप जरूरी है। सो दैट इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम सर जितेंद्र सर, हिमाचल सर। यस निखिल, यू आर वेरी ट्रू। सर ने जो बताया बात बहुत ही एक छोटी लेकिन बहुत ही अहमियत वाली बात है कि आप अपने को सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करना है, जो सैलरी वाला एटीट्यूड है वहां से चेंज करके हमें बिजनेस वाला एटीट्यूड लाना है। ये बिजनेस वाला एटीट्यूड से ही खुद का भी ग्रोथ होगा और साथ में कंपनी का भी ग्रोथ इससे ही तो होगा। कि स्टार्टअप्स जो है जिन्होंने नई कंपनी शुरू की है उनको सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो अभी बना रहे होंगे और उसी प्रोसेस में होंगे या फिर बन गए होंगी, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, राइट? सो उनको सेल्स इंक्रीज करने के लिए और अच्छी मार्केटिंग करने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैं ये बताना चाहता था कि जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं उनके लिए कम से कम 3 से 5 साल का उनको कम से कम पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, ये पेशेंस इसलिए रखनी जरूरी है क्योंकि मार्केट में आपको अपनी ब्रांड चलानी है। ब्रांड चलाने के लिए ब्रांड धीरे धीरे ही डेवलप होगी। अगर मैं बात करूं कि भाई किसी कंपनी ने नमकीन का काम शुरू किया तो नमकीन में ही गुजरात में 100 कंपनियां हैं, तो सिर्फ सेल्स लाने का काम नहीं होना चाहिए। ब्रांड डेवलप करने के लिए आपको अथाग मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। इसलिए 3 से 5 साल का आपको पेशेंस का पीरियड रखना बहुत जरूरी है। क्यों? कि मैंने पहले भी बताया कि शॉपकीपर को या किसी भी फील्ड को ब्रांड बेचने की आदत है, उसको नई चीज बेचने की आदत नहीं है, वो नई चीज बेचने में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो ब्रांड डेवलप करने के लिए हमको धीरे 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 हमारे जो कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करना है, हमारा फाउंडेशन हमको मजबूत करना है। कुछ भी करके फाउंडेशन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक उस पर फ्रूट्स आएंगे। अगर कोई भी स्टार्टअप्स कंपनी सीधा सेल्स लेने के लिए भागेगी, सिर्फ सेल्स पे ही ध्यान देगी, तो सेल्स आना मुश्किल है। इससे नुकसान क्या होगा कि सेल्स की प्रेशर से आपके सेल्स के बंदे कहीं ना कहीं माल डाल के आ जाएंगे, तो मटेरियल डालने से वो माल बिक जाना जरूरी नहीं है, वो माल 2-3 महीने में वापस ही आएगा। तो मैंने पहले बताया कि फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए हमको स्टार्टअप्स कंपनी को 3 से 5 साल का वेटिंग पीरियड जरूरी है। उनको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में अच्छे बंदे आए, प्रेजेंटेबल बंदे आए, जिनकी मार्केट में पहचान हो, जिससे उसको फ्रूट जल्दी मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी मिल जाए, मैन पावर जल्दी मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू दुकानदार जल्दी मिल जाए, तो माल मटेरियल जो अपन ने बाजार में दिया है वो प्रेजेंटेबल हो जाए, हर दुकान पे माल पहुंच जाए हमारा। उसके बाद में एक रोल ये आता है कि प्रॉपर बजटिंग के साथ में हम कस्टमर पुल कैसे लाएं। हमने सब शॉपकीपर को माल तो दे दिया लेकिन
शॉपकीपर वो माल बेचेगा कैसे? कस्टमर जब तक उस मटेरियल की डिमांड नहीं करता है जो हम लोगों ने दिया है, ठीक है, तो वो इतना पुश नहीं करेगा। तो हमको थोड़ा बहुत एड बजट रखना है, थोड़े बहुत पोस्टर्स छपवाने हैं, थोड़े बहुत होर्डिंग्स लेने हैं। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में 4-6 महीना तो हमको माल को, मटेरियल को बराबर प्रेजेंट करने के लिए मार्केट में डालना है। और आपको ये पता चल जाता है कि 30-40% हम लोगों ने मटेरियल मार्केट में डाल दिया है, फिर आप धीरे 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 एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हो उसकी। तो एडवर्टाइजमेंट होने से कस्टमर पुल आएगा, कस्टमर पुल आएगा तो कस्टमर दुकानदार के पास में जाके वो चीज मांगेगा, तो दुकानदार को भी खुशी होती है कि चलो मैंने ये प्रोडक्ट रखी है, कोई कस्टमर तो आया मेरे पास में ये प्रोडक्ट मांगने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, सेल्स बंदे की मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, उसको पहले शॉपकीपर को कन्विंस करना है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उसको प्रेजेंट करना है, अगर उसकी पहचान अच्छी है तो शॉपकीपर माल रख भी लेगा, फिर उसको ये कन्विंस करना है कि साहब आपको हमारी प्रोडक्ट बेचने पे भी ध्यान देना है, मैं आपको पहचानता हूँ तो मेरी थोड़ी क्रेडिट रखना और ये मटेरियल को बेचने में मेरी हेल्प करना। तो धीरे 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 ये मटेरियल आगे धीरे धीरे सरकना शुरू होगा। ये तो हर चीज प्रेजेंटेबल होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहले कहा था कि पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, जिससे हम कोई भी बंदा जाके उसको प्रेजेंट करे, प्रेजेंट करेगा तो पहले देखने में ही वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाना हो उसको, कस्टमर को दिखाना हो, शॉपकीपर को दिखाना हो उसको, तो ये सब चीज अगर प्रेजेंटेबल हो जाती है तो किसी को ना किसी को इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आने से क्या है, वो शॉपकीपर माल रखना शुरू करता है, धीरे 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 वो उसको वो माल बेचना शुरू करता है। इस तरह से हमारी प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट होती है। मार्केट में अगर लगता है हमको कि 40-45-50% मार्केट में प्रेजेंट हो गई है, तब हम धीरे 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 एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हैं। छोटा है तो छोटे पैमाने पे ऐड करेगा वो, अगर कंपनी के पास बजट नहीं है तो वो अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा, जिसके पास बजट है वो भी धीरे धीरे बजट डालना शुरू करेगा मार्केट में, चाहे वो लीफलेट डालने हैं, धीरे धीरे पेपर एड शुरू करनी है, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे जाना है, धीरे धीरे होर्डिंग्स लेने हैं। तो कहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बराबर सेट है उधर आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है, बजाय कि जहां प्रोडक्ट आपकी सेट नहीं है वहां पर एड नहीं करनी है। तो स्टार्टअप्स को ये ध्यान बहुत जरूर रखना है कि प्रॉपर बंदे आपके साथ में जुड़े। प्रॉपर बंदे जुड़ने से प्रॉपर मार्केट सेटअप होता है। इंटेलिजेंट बंदे, नॉलेजेबल बंदे, एक्सपीरियंस बंदे जो आपके आपके कंपनी को आगे ठीक से प्रेजेंट करें, ठीक से प्रेजेंट करें और वो ठीक से माल आगे बिकवाए। मेरा जोर हर बात पे यही रहता है कि जब तक अच्छे लोग, अच्छे बंदे आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक आपका फ्रूटफुल होना या मार्केट में सक्सेस होना मुश्किल है। मैं फिर से मेरी एक बात रिपीट करता हूँ, बंदे ले लेने से, सेल्स के बंदे ले लेने से, ये आदमी ले लेने से आपको सक्सेस आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मैंने बंदे ले लिए हैं और ये मुझे सक्सेस करवाएंगे, वो बहुत मुश्किल काम है। हमको पूरा डिसिप्लिन वे में काम करना है कि सही बंदे ले लेने से, सही बंदे अगर उनको आगे, अगर आपने काम उनको सही डिप्लॉय किया है तो सही प्रेजेंटेशन करेंगे, सही प्रेजेंटेशन करेंगे तो सही रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। उस पर सीनियर लोगों का फंक्शन रोल बढ़ जाता है कि उस बंदों से प्रॉपर वे में काम लिया जाए। अगर बंदा सही है तो उसको ज्यादा ज्यादा नॉलेज दे करके ज्यादा डेवलप कर सकते हो आप उसको, कि भाई मैं इस प्रकार का काम चाहता हूं, आपको इस वे में प्रेजेंट करना है मार्केट को, फिर वो किस प्रकार से सक्सेस आपके पास लेकर के आता है उसको फिर से आपको रेक्टिफाई करना है कि भाई ये दो बातें गलत है, ये दो बात को आप रेक्टिफाई करो और इस तरह से प्रेजेंट करो, तो क्या है, बंदा रिफाइंड होता है। हर बंदे को नॉलेज तो है लेकिन उसको रिफाइंड करना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने एक डायमंड ले लिया, तो डायमंड को आपको प्यूरिफाई करना है, पॉलिश करना है। वही डायमंड आप 20,000 का बेच सकते हो, उसी डायमंड की वैल्यू आप 50,000 कर सकते हो, उसी डायमंड की वैल्यू आप 70,000 कर सकते हो। तो डायमंड को हर आदमी, हर इंसान डायमंड ही होता है, लेकिन आपको उसको पॉलिश करना बहुत जरूरी है।
वो पॉलिश करना सीनियर बंदों का काम है। सर कोई रूल है क्या कि यू नो सेल्स का इतना परसेंट बजटिंग मार्केटिंग के लिए हम दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल है या जनरली क्या फॉलो करती हैं कंपनीज? मेरी सोच ये है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है फैक्ट्री पर या जितना भी आपने प्रोडक्शन पे या फैक्ट्री पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका 3 गुना आपको या डबल या 3 गुना आपको मार्केट में लगाना है। उतना देना है आपको, वो धीरे धीरे स्पेंड करना है आपको, इमीडिएटली स्पेंड नहीं करना है। जैसी मार्केट की जरूरत, जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट, उस प्रकार से आपको स्पेंड करना है उसको। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि स्टार्टअप्स कंपनी के लिए या जो भी कंपनियां चल रही है उसके लिए, मैंने आपको 3 से 5 साल का जो बात बताई, तो 3 से 5 साल का स्टेबिलिटी के लिए बात बताई, पेशेंस के लिए बात बताई, वो इसलिए जरूरी है कि जो भी बंदा आपकी कंपनी ज्वाइन करेगा तो उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि ये कंपनी कितना टाइम चलेगी। उसको ये स्टेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है कि ये कंपनी में मुझे टिकना है, सालों साल टिकना है, उस प्रकार से मुझे इस कंपनी में काम करना है। जो भी कंपनी ज्वाइन करेगा उसको इनस्टेबिलिटी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम जो भी बंदा अपॉइंट करेंगे वो स्टेबल कंपनी से अपॉइंट करेंगे, एस्टेब्लिश कंपनी से अपॉइंट करेंगे। तो एस्टेब्लिश कंपनी का बंदा वो इतना इजीली हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा जहां तक उसको ये एहसास नहीं दिला जाए कि भाई हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आए हैं, तो आप भी हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म ही चलोगे, हमारा शॉर्ट टर्म कोई कंपनी का गोल नहीं है। तो वो विश्वास सामने वाले को बैठेगा तो ही वो कंपनी ज्वाइन करेगा। मार्केट में बंदे बहुत सारे हैं जो आपको ज्वाइन करने को तैयार होंगे, लेकिन वो स्टेबल बंदे नहीं होंगे, वो घड़ी घड़ी कंपनी चेंज करते हुए बंदे होंगे, तो वो बंदे हमको नहीं चाहिए। हमको स्टेबल बंदे चाहिए जो हमारी कंपनी का जो रथ है वो आगे बढ़ाए। करेक्ट, मेरी ये गुजारिश थी सबसे कि इस प्रकार के बंदे हमको लेने चाहिए। राइट, सो जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं सभी ने ध्यान से सुना है और आई एम श्योर कि वो आपकी सारी बातों को गौर से सुन रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करें। सर कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे ऑडियंस से, आपकी अगर इंस्ट्रक्शंस हो, अगर आपकी परमिशन हो तो हम सवाल कुछ ले सकते हैं अभी? डू वी हैव दैट टाइम? ओके, सो सर वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम नचिकेत जोशी। ही इज आस्किंग, सर वी आर सेलिंग रॉ हनी, प्लीज शेयर सम एडवाइस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सेलिंग टीम। हनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पैकेजिंग बहुत ही सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल वैरायटी में हनी बेचते हैं, अगर सिंपल हनी बेचते हैं सिंपल, तो भी उसका पैकिंग अट्रैक्टिव होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज के पैकेजिंग बहुत अच्छे हैं। अगर हनी का पैकेजिंग बहुत अच्छा है तो उसको बेचना थोड़ा ईजी हो जाएगा मार्केट में, बजाय कि आपने हनी किसी बॉटल में डाल दिया और आपने बेचने रख दिया मार्केट में, वो उसका चलना बहुत मुश्किल है। फिर आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हो, जैसे भाई मैं हनी बेच रहा हूँ तो ऐसी 10 कंपनी और है जो हनी बेच रही है, तो हनी को आपको प्रीमियम कैटेगरी में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कस्टमर को पैकिंग देख के भी लगे कि नहीं अंदर की प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छी होगी, या तो जो दुकानदार उसको बेचना चाहेगा तो पैकिंग की वजह से भी वो लेना चाहेगा आपसे बेचने के लिए। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि मल्टीपल फ्लेवर में हनी होना बहुत ज़रूरी है, 2-3 वैराइटीज़ में, और उसका पैकेजिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके बॉटल, और वो बॉटल ग्लास की हो तो बहुत अच्छा, बजाय प्लास्टिक के। ग्रेट ग्रेट, सो आई थिंक नचिकेत जी आपको आपका जवाब मिला है, और उसमें भी एक एड ऑन ये मिला है कि रॉ हनी तो आप सर्व कर ही रहे हैं, सेल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप मल्टीपल फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। सर फारूख काजी कहते हैं, व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर कैपिटल गुड्स प्राइस रेंज डिफर्स फ्रॉम 1.5 लाख टू 4 लाख एंड मशीन्स आर बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर।
By the way, we are manufacturer and exporter for ice cream making machines. तो वो ice cream making machines manufacture करते हैं, order पे लेते हैं और उनके capital goods हैं. So price range है 1.5 lakhs to 4 lakhs. उनके लिए आप क्या recommend करते हैं? उनका ये सवाल है. Nikhil, I would like to answer here. Nikhil. Yes. फारूक सर से मेरा ये जवाब है कि 1.5 लाख और 4 लाख इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो ये जो डिफरेंस कैपिटल गुड्स में जब लगता है तो जो भी बंदा ये कैपिटल गुड्स लेने जाता है तो उसका सबसे पहला तो प्रश्न ये रहता है कि कितना इसमें से प्रोडक्शन निकलेगा और जो कंपनी से जितना वो एज्योर करती है उतना उनको प्रोडक्शन मिल पाता है कि नहीं, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. सेकेंड चीज जो वो देखता है वो है सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, क्योंकि जब भी ये तो इसके ऊपर इनको अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब इस पर आधारित रहता है. तो इस जब भी मशीन्स में कोई फॉल्ट आई कि नहीं आई तो वो टाइम पे अगर आफ्टर सेल सर्विस में अगर वे बेहतर है, दूसरों से अलग है तो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं. और फिर मशीन्स जो है 1.5 लाख एंड 4 लाख तो कुछ ना कुछ तो उसमें ग्रेडेशन, उसकी अंदर की जो मशीनरीज, अंदर के जो भी यू नो द पार्ट्स उनके जो है, तो अगर वे डिफरेंशिएट होते हैं, वो अगर अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. और 1.5 और 4 लाख तो ठीक है, लेकिन 1.5 लाख में भी मिलता है और 15 लाख में भी सेम मशीन्स मिलता है और लोग समझते हैं अपनी क्वालिटी को और मानते भी है कि कौन सा मशीन्स लेना चाहिए. करेक्ट. So I think sir को अपना जवाब मिला है. And Poonam Dave पूछ रहे हैं, what's the best way to start an export from India in ready-to-eat products? इसमें जो exporters होते हैं, जिसको बोलते हैं full load नहीं करते वो लोग, part load काफी exporters हैं, जो एक container के अंदर बहुत सारी companies का material भेजते हैं. तो अगर उनको approach किया जाए तो बहुत इजी रहेगा. जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में जो एक ही कंटेनर में 20-25 कंपनी का मटेरियल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रीज, उनके नॉलेज में जो जो भी कंपनी जो लोग भी उनके बायर्स हैं उनको सैंपल भेज सकते हैं. वो उस मर्चेंट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी अपने सैंपल्स उस पार्टी को भेज सकते हैं. वहां से अप्रूव करवा करके उनकी गवर्नमेंट अप्रूव कर दे और वो अप्रूव करवा करके इनके पास में सर्टिफिकेट भेजे तो इनका मटेरियल थोड़ा 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 शुरू हो सकता है. बजाय देखो स्टार्टिंग के अंदर पूरा कंटेनर को लेने वाला नहीं होगा. तो इस समय मर्चेंट एक्सपोर्टर ही काम में आएगा जो 2 कार्टन 5 कार्टन 20 कार्टन 25 कार्टन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उस वो अप्रूव करवाएगा दूसरी कंट्रीज में और इनको ये ऑर्डर्स देगा. करेक्ट सर. एक और सवाल है, जयेश पटेल पूछ रहे हैं, हाउ टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मैनेज किए जाए? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए स्टार्टिंग में विजिट देनी है. आप क्या लेकर के जाते हो, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो, वो आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा कि आप क्या बोलने वाले हो सामने वाले पे. धीरे 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 आपकी अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा, उससे ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होगा तो सामने वालों को एक ट्रस्ट बैठेगा. ट्रस्ट बैठेगा तो ही वो आपको दूसरी बार मीटिंग के लिए वो रेडी होगा. एक ये तरीका है. और दूसरा, कस्टमर रिलेशनशिप किसी के थ्रू भी हो सकती है. जैसे मुझे किसी को मिलने जाना है और उस इंसान की पहचान हिमाचल भी से बहुत अच्छी है तो मैं हिमाचल भी के थ्रू उसको मिलने जाऊंगा तो जिससे मेरी मीटिंग बहुत इजी हो जाएगी उनसे मिलनी. या तो हिमाचल भी को मैं साथ में लेकर के जाऊंगा तो मैं उनसे एक रिलेशन बनाऊंगा, एक बॉन्डिंग बनाऊंगा. तो रिलेशन इस तरह से डेवलप होगा. स्ट्रेट अवे मार्केट में जाने से आपकी रिलेशनशिप नहीं बन सकती या कम बनेगी, आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जहां तक आपकी पहचान नहीं होगी. तो सपोज मैं आपकी पहचान से मार्केट में जाऊंगा तो आपकी पहचान से सामने वाला मेरे को बिठाएगा जरूर, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करेगा मेरे प्रेजेंटेशन पे कि मैं उसको किस तरह से
और हिमाचल भाई की पहचान को मैं किस तरह से वो एनकैश करता हूँ, उसको किस तरह से मैं प्रेजेंट करता हूँ, किस तरह से समझाता हूँ। एक बार मिल गए और एक बार बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है और एक एक यू नो रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी होते हैं, अगर वो आप बता पाए। मेंटेन करने के लिए बार बार मिलना जरूरी है, बार बार मिलना जरूरी है जिससे वो उससे वो टच में रहे। राइट ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मटेरियल दे दिया और आप अलग हो गए। आप खुद भी आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इससे रिलेशन मेंटेन करने हैं। किस तरह से करने हैं, जब वो बात करने जाएंगे वहां पर उस तरह उस वक्त डिसाइड होगा कि मैं इनसे किस प्रकार से रिलेशन रख पाऊंगा। उसकी इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है कि मेरे को किस प्रकार से रिलेशन रखने हैं। जब 1-to-1 बातचीत होती है तभी डिसाइड होता है कि अगली बार की विजिट मेरी इनसे कैसी होगी। उनका सामने वाले का एटीट्यूड बताता है कि ये सामने वाले रिलेशन रखने के लिए आपके सामने रेडी है कि नहीं, राजी है कि नहीं। फिर भी आपकी एनर्जी तो ऐसी होनी ही चाहिए कि मुझे इनसे रिलेशन रखने हैं, तब आपको वो डिसाइड करना है कि मैं अगली बार क्या बोलूंगा, अगली बार क्या प्रेजेंट करूंगा जो इनको मेरी बात अच्छी लगेगी और ये मेरे से रिलेशन रखना चाहेंगे। बिजनेस टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल रिलेशन तो एक पर्सनल बात हो गई। सो आई थिंक जयेश जी आपको अपना जवाब मिला होगा सवाल का। एंड एक और सवाल है सर, इस सिचुएशन में फ्रोजन फूड को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसका सेल बढ़ाएं? फ्रोजन फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स के अंदर स्वीट कॉर्न आ गया, मिक्स वेजिटेबल आ गया, फ्लावर आ गया, गोभी आ गई। ये उनको क्या लेने चाहिए जी, उनकी सेल बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा मार्केट करने के लिए उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इसमें तो क्या है कि वही मैंने आपको कहा, बार बार मार्केट में विजिट करना, मार्केट का ट्रेंड जानना। कोई फर्क नहीं पड़ता राइट, तो इनका नहीं मैं इन सिचुएशन जो है कोविड की वजह से फ्रोजन फूड पे ज्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं या उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में उसी रेफरेंस में उन्होंने सवाल पूछा है कि फ्रोजन फूड की सेल कम हो गई है इस सिचुएशन में, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें? देखिए फ्रोजन फूड की मैं मकेन का एग्जांपल दूंगा आपको। मकेन फ्रेंच फ्राइज बनाती है, तो मकेन का मैक्सिमम 80-90% सेल होटल इंडस्ट्री का है, होटल्स रेस्टोरेंट्स केटरिंग इसका सेल बढ़ा है उसका। अब कोविड के अंदर क्या है, ये सब कुछ बंद है, शादियां बंद है, होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, क्लब्स बंद है, सब कुछ बंद है। तो अब जबका 80% आपका ये मूवमेंट नहीं है मार्केट में, तो आप क्या करोगे? तो आपको रिटेल सेगमेंट में आना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी मकेन का रिटेल का सेल बहुत बढ़ गया है। मकेन बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंच फ्राइज में, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो प्योरली फ्रोजन में है, तो उनका उन्होंने प्योरली डाइवर्सिफाई अभी किया हुआ है रिटेल सेगमेंट पे। यानी जितने भी फ्रोजन फूड के जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, जिनके पास डिफ्रीजर्स हैं, उधर ये लोग ये प्रमोट कर रहे हैं फ्रोजन इसको, फ्रेंच फ्राइज को, स्माइली को, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर। तो फ्रोजन फूड की इंडस्ट्री को अगर उनको डेवलप करना है तो प्योरली उनको रिटेल चेन में आना पड़ेगा, जब तक ये होटल इंडस्ट्री का मार्केट खुलता नहीं है, क्योंकि वास्ट डिमांड फ्रोजन फूड की वही है, रिटेल में नहीं है। तो अभी एग्रेसिव जो होना है वो रिटेल इंडस्ट्री में होना है, फ्रोजन फूड की मैं बात कर रहा हूँ। यस यस ओके, सो आई थिंक किशन जी आपको अपना जवाब मिला है कि आपको रिटेल में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, रिटेल सेल बढ़ानी है। एंड सर आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक टुडे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल आ रहा है विजय ठक्कर जी से, और उन्होंने पूछा है, वी हैव नेटवर्क इन गुजरात, आर प्रोडक्ट्स आर सीजनल, आवर प्रॉब्लम इज दैट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और न्यू पर्सन इज नॉट पेशेंट, मतलब उनके पास पेशेंस नहीं है फॉर सीजन पीरियड, दैट्स व्हाई दे चार्ज वेरी अर्ली, दे चेंज वेरी अर्ली, सो व्हाट कैन वी डू? अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई नए बंदे हैं वो पेशेंट नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं है उनके पास,
तो वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं और सीजनल प्रोडक्ट होने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके लिए क्या सलूशन? इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीजनल बिजनेस है तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है मार्केट में। ट्रस्ट डेवलप करने का मतलब ये है कि जो जो लोग आपसे जुड़े हैं वो ऑफ सीजन में चले नहीं जाए आपसे, कम से कम 1-to-1 इस प्रकार के आपके रिलेशन होने चाहिए कि वो सीजन में भी आपको सपोर्ट करे, तो ऑफ सीजन में बिजनेस बिल्कुल बंद नहीं हो जाता है। सपोज सीजन में 100% बिजनेस है तो ऑफ सीजन में 20% 30% बिजनेस तो ऑलरेडी होता है, हो सकता है वो 10% भी हो जाए, हो सकता है वो 0 भी हो जाए, लेकिन अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं, आपने ट्रस्ट बराबर डेवलप किया हुआ है, तो कोई भी बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, मेरा मानना ये है। तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है उनके अंदर। घड़ी घड़ी छोड़ के जाने का मतलब क्या हुआ? यही शो करता है कि भाई वो आपसे टेम्पररी जुड़ा और टेम्पररी वो चला गया आपके पास से। तो बजाय इसके आप सॉलिड लोगों को पसंद करो जो आपके साथ में टिके रहे हैं। आप उनसे ये इस प्रकार का रेपो बनाओ कि साथ में उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं इनको छोड़ दूंगा तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में नुकसान जाएगा, या तो कंपनी को ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो इससे बेहतरीन पर्सन मेरे को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के टर्म्स और इस प्रकार का ट्रस्ट दोनों के बीच में डेवलप होना बहुत 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 जरूरी है। ग्रेट ग्रेट, सो आई थिंक उनको अपना जवाब मिल गया है सर। हमने सारे ही सवाल ले लिए हैं और सभी के जवाब मिल चुके हैं, एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग इन फॉर हिमाचल जी एज वेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच इंफॉर्मेटिव सेशन एंड सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। एंड जितेंद्र जी आपके लिए भी सर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और काफी लोगों ने लिखे, सो कैसा लगा आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का? एंड काफी सारा ज्ञान और भी है जो हम देना चाहते हैं, लेकिन समय की वजह से हम आज का इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। सो सर एक मंत्र आपको सभी लोगों को देना है, आपकी लाइफ का कोई मंत्र है टू स्टे पॉजिटिव टू स्टे मोटिवेटेड, व्हाट इज दैट मंत्र फॉर एवरीवन फॉर ऑल द व्यूअर्स? मेरा मंत्र सिर्फ ये है कि अपने मन को, अपना जो मन है, हमारा दिमाग है या जो मन है, उसको कॉन्फिडेंटली रेगुलरली आप बताते रहिए कि भाई आपकी हिम्मत बढ़ रही है, आपकी ताकत बढ़ रही है, ठीक है, आप पावरफुल हो रहे हो। ये आपको कॉन्स्टेंट आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है दिन में 25 बार 50 बार। इससे फायदा क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी हम अपने मन को, मन क्या करता है कि जो भी आप सोचते हो वो तुरंत उसको पकड़ लेता है, तो ज्यादातर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स को वो मन पकड़ लेता है, तो उस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो हमारे मन को हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना यानी हमारे मन को हमको काम देना है, तो हमको काम क्या देना है? उसको ये काम देना है कि भैया आपको मुझको मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, स्टेबल बनाना है। तो ये जो आप ये थॉट देते रहोगे तो ये मन आपको ये इस थॉट को लेकर के वो थॉट्स को आगे बढ़ाएगा, आपको डेफिनेटली मजबूत करेगा, डेफिनेटली वो आपको पावरफुल बनाएगा, ठीक है। जो आपके मन में थॉट्स आते हैं वही आप प्रेजेंट करते हो, नेगेटिव आते हैं तो आप नेगेटिव लोगों को मिलोगे तो अब वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा मार्केट में मंदी बहुत है, कोरोना ने सब बिगाड़ दिया है, ठीक है, मार्केट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी बजाय आप अपने मन को अगर प्रॉपर गाइडलाइन दोगे कि मैं पावरफुल हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मेरे मन में से अच्छे थॉट्स ही निकल रहे हैं, तो बार बार ये याद दिलाने से क्या होगा, आपका मन उस प्रकार से रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको बचपन में ले जाता हूं, जब भी हम केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी में हम जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, तो हमको सारी बातें रिपीट करवाई जाती है। रिपीट करवाने का क्या मतलब है कि वो मन आपका वो रिपीट करने से वो चीज पकड़ लेता है। फिर बच्चा घर जाता है तो घर जाके माँ को क्या बोलता है कि मेरी टीचर ने मुझे ये सारी चीजें सिखाई है जो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है,
तो उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात फिक्स फिक्स फिट बैठ गई। तो वो बातें हम आजकल भूल गए हैं। तो आजकल हमको क्या करना है, डे टू डे बेसिस पे हमारे मन को स्ट्रांग करना है, नेगेटिव बातों में नहीं आना है। 20 बार 25 बार 30 बार आपको यही सोचना है कि मैं यूनिवर्स में पावरफुल इंसान हूं, तो आपका मन आपको जरूर वो पावरफुल बनाएगा। ये मैं करता आया हूं और ये मैं करता रहूंगा, जिससे मेरे मेरे विचार, मेरे ख्यालात, मेरे क्रिएटिव दिमाग, ये मैं बोल पाता हूँ इस प्रकार की बात में, और ये मैं कंपनीज में, जिस कंपनी में मैं कंसल्टेंट हूँ उसमें ये मेरी बात मैं शेयर कर पाता हूँ, जिससे मेरे लोग जो मेरे अंडर में काम करते हैं वो भी मजबूत बनते हैं, मेरी कंपनी भी मजबूत बनती है और पावरफुल बनती है। भले ही ये देसी तरीका है, लेकिन बहुत बहुत कारगर है और बहुत पावरफुल तरीका है, ये मेरा मानना है। नहीं सर, बिल्कुल, ये यू नो ये जो टेक्निक है बहुत पुरानी टेक्निक है और हमेशा ये टेक्निक फॉलो होती आ रही है, और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ये टेक्निक बहुत बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू शेयर दिस लवली मैसेज विथ ऑल द व्यूअर्स। एंड हिमाचल सर, विथ योर मैसेज एंड विथ योर एक्सपीरियंस अबाउट टूडेज सेशन ऑल्सो, वी वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू टूडे। निखिल, बिफोर एंडिंग दिस सेशन, लेट्स आवर व्यूअर्स नो, अगर जितेंद्र जी को किसी को मिलना है, कोई प्रश्न है, तो वो जितेंद्र जी से वो कैसे मिल सकते, जुड़ सकते हैं, अगर जितेंद्र जी आप बताएं क्या? यस 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 प्लीज। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, गुजरात अहमदाबाद से मैं रहता ही अहमदाबाद में हूँ। मेरा नंबर है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर 81550-64550। मैं रिपीट करता हूँ, 81550-64550। अगर किसी को भी कांटेक्ट करना है वो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हिमाचल भाई के थ्रू भी मेरे पास में आ सकते हैं, वो भी मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, और वो कभी भी मुझे आके कांटेक्ट, कोई भी कंपनी मुझे आके कांटेक्ट कर सकती है। थैंक यू जितेंद्र जी, आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, आपने काफी आज सवालों के जवाब भी दिए, और मैं ये सेशन को एंड करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आपकी प्रोडक्ट्स को आप मार्केट्स में पुल होने दे, ना कि हम उसको पुश करें। ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसा ब्रांडिंग कीजिए, ऐसा मार्केटिंग कीजिए, प्रोडक्ट्स में जान लगा दीजिए कि ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में पुल हो जाए, लोग उसको पुल करें, ना हमें उसको पुश करना पड़े। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहे। थैंक्स टू जितेंद्र जी, थैंक्स टू निखिल वंस अगेन, यू आर अवर नॉट ओनली एंकर बट हीरो, एंड विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी ग्रेट लाइफ अहेड। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा निखिल जी का, और सबसे ज्यादा हिमाचल जी का, जिन्होंने ये वाकई में मुझे मौका दिया मेरे व्यूज एक्सप्रेस करने का। और मैं हर उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो जिन्होंने मुझे सुना, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा चाहता हूँ कि कम से कम जो आधा घंटा एक घंटा उन्होंने सुना हो, और मेरे ख्यालात शायद उनके कोई काम में आ जाए, इसलिए मैं उनका काफी काफी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सर, इस जो हमारा जो ये प्रयास है वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल, तो इसी तरह से आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर, आपका एक्सपीरियंस लेकर, आपकी जो बातें हैं उनको लेकर हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो जरूर जरूर ग्लोबल पहुंचेंगी, ऐसा ही हमारा प्रयास है। और खाद्य खुराक न्यूज से एक और बार सभी लोगों को बोल दूं कि नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट जो इंटरव्यू होने वाला है उसकी अपडेट के लिए कौन आने वाला है, किस विषय पे बात होने वाली है, खाद्य खुराक न्यूज के फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, और ताकि यू नो आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए और आप जरूर हमारे साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हिमाचल जी, थैंक यू जितेंद्र जी फॉर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।